वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं भगवान महाबली जी के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वृश्चिक राशि वालों, संकट मोचन प्रभु महाबली जी से दिन रात गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु, आप सभी के जीवन में सुख शांति देना, सभी का जीवन खुशहाल रहे। खासकर उन लोगों को प्रभु, जिनकी आखिरी तमन्ना आखिरी इच्छा आप ही हो प्रभु, आपसे बस इतना ही अनुरोध है। वृश्चिक राशि वालों, आज दोपहर 1:29 बजे के बाद आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है एक जबरदस्त बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, दोपहर 1:29 बजे के बाद आप सभी के जीवन काल में ऐसा राजयोग, ऐसा धनयोग आपकी कुंडली में बन रहा है जो कि दोस्तों इतना पैसा आएगा कि पैसों में डूब जाओगी। जी हाँ दोस्तों, पूरे 5 लाख रुपए की गड्डी मिलेगी जो कि आप धनवान बन जाओगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आप सभी को बता दें, जो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा वही इसका लाभ उठा पाएगा। जी हाँ, चलिए शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि दोस्तों आज दोपहर 1:29 बजे के बाद अचानक से आपका किस्मत चमकेगा। जी हाँ, और आपको ढेर सारा पैसा, ढेर सारा धन दौलत मिलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर 1:29 बजे के बाद आपका किस्मत घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। और वो कहते हैं ना, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। जी हाँ, जिस इंसान को किस्मत का साथ मिलने लगता है उस इंसान को जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु देव जी के आशीर्वाद से अब आपका किस्मत का द्वार खुलने वाला है। दोस्तों भले आप अपने जीवन में बहुत परिश्रम किए हैं, बहुत दिनों बाद आपके नसीब के द्वार खुला है, लेकिन अब आप अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहोगे और खुशहाल भरी जिंदगी जियोगे। आपसे जलने वाले जलते रहेंगे, उन्हें जलने दो, क्योंकि उनका काम ही है जलना और आपका काम है गुलाब की तरह खिलना। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हो और शब को बिना माचिस के जलाने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज दोपहर 1:29 बजे के बाद आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अपने दिमाग को शांत रखकर वीडियो देखना और सभी बातों को अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, तभी जाकर आप अपनी किस्मत को, अपने जीवन को बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जहां हमें शुभ संकेत मिलते हैं वहीं पर हमें कुछ अशुभ संकेत भी मिलते हैं, इसलिए हमें सावधान रहकर इसका लाभ उठाना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपके सारे बिगड़े रुके पड़े कार्य बना देंगी। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों, आज दोपहर 1:29 बजे के बाद आपके ऊपर ईश्वर का कृपा बरसेगा, जिससे कि आपको धन दौलत में लाभ ही लाभ होगा। देखिए दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपके सफलता की राहों में कुछ नकारात्मक चीजें या फिर कुछ गलत चीज है आपके रास्ते में आता है तो आपको उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो, क्योंकि दोस्तों जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है। समस्याएं हमारे जीवन में आते जरूर हैं, लेकिन वो हमारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं, वो हमारी हौसले को और ज्यादा बुलंद करने के लिए आती हैं। अगर किसी काम में आप बार बार असफल होने लगे, बार बार हारने लगे, तो
तो समझ लेना कि उसी कामों में आपका किस्मत चमकने वाला है, उसी कामों में आपका जिंदगी बदलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों वो समय आपके लिए इम्तिहान की घड़ी है। बात समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा सही बोल रहे हैं गुरुजी। आज दोपहर 1:29 बजे के बाद पढ़ाई लिखाई के मामले में समय बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है अपने संगति पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा संगत वैसा रंगत, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं और सुने ही होंगे। इसलिए दोस्तों आपको उन संगति संग रहना है जिन संगति में कंपटीशन है। जी हाँ, उसके साथ रहिए जिनका तबीयत खराब है, मगर उनके साथ कभी मत रहिए जिनका नियत खराब है। क्योंकि दोस्तों जिनका खराब समय चल रहा होता है उनका अच्छा समय एक ना एक दिन जरूर आता है। जी हाँ, आज दोपहर 1:29 बजे के बाद आप अगर नए कामों की शुरुआत करते हैं तो आपको उसमें भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि आज दोपहर 1:29 बजे के बाद कई राज्यों कई धनियों आपकी कुंडली में बन रही है, जिससे आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया हुआ था तो वो भी आज आपको वापस मिल सकता है, और आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वो भी आज आपका पूरा हो सकता है। आज आपको किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर कोई बात कोई इंसान आपको कुछ सुनाता है तो आपको तुरंत भरोसा नहीं करना है। आज आप उसी चीजों में भरोसा करें जो आप अपनी आंखों से देखोगे, जो आप अपने कानों से सुनोगे। जी हाँ, नहीं तो आज आपको समस्या हो सकती है। विद्यार्थी अपने शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर आज अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं, और अन्य स्रोतों से आय प्राप्त होने से आज आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आज का दिन आपके लिए एक के बाद एक खुशखबरी लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको आज एक साथ कई काम हाथ में आने से आपको समझ नहीं आएगा कि किसे पहले करो और किसे बाद में, लेकिन यहाँ पर आपको सोच समझकर ही कार्य करना है, अपने विवेक से कार्य करना है। जी हाँ, यहाँ पर आपको दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको सोच समझकर ही कार्य करना है कि कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, उसी कामों को आज आप सबसे पहले करने की कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। आप अपने किसी पुराने निवेश को लेकर आज थोड़े बहुत परेशान रहेंगी। जी हाँ, लेकिन परेशानियां धीरे धीरे अपने आप खत्म होती जाएगी। यदि किसी प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करने जाएं तो उसके सभी कागजातों की जांच पड़ताल कर ले, आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ, किसी को बिना मांगे आज आप सलाह ना दें, सलाह देने से बचिएगा। कार्य क्षेत्र में यदि आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो उसे समय रहते पूरा करें, नहीं तो अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में ना लें। जी हाँ, नहीं तो आगे चलकर आपके लिए दिक्कत और समस्या खड़ी हो सकती है। वैसे तो आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। संतान के विवाह में यदि कोई समस्या आ रही थी तो वो भी आज के दिन मित्रों की मदद से दूर होगी। लेन देन से संबंधित कोई मामला आज निपटने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, माता पिता को आज ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। आज आप किसी को बिना मांगे सलाह ना दें, बार बार हम कह रहे हैं, नहीं तो वो आपसे नाराज हो सकता है। जी हाँ, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के मार्ग प्रस्त होंगे, आपको आज किसी नए काम की शुरुआत करना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद ही शुरुआत कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। आज का दिन आपके स्वास्थ्य में अवश्य कमजोर रहने वाला है। जी हाँ, आज आपको शारीरिक कष्ट होने के कारण आप थोड़े बहुत परेशान रहेंगी, लेकिन आपको आज गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना होगा।
जी हाँ दोस्तों, खासकर अगर आप जो है सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो जरा सावधान पूर्वक कीजिएगा, दिक्कत होगा। संतान पक्ष की ओर से आज आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं उन्हें उनके कामों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा जिससे उन्हें खुशी होगी और आपकी किसी पुरानी गलती से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, संतान से आज आपकी किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉर्मल रहना होगा। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहें तो आप यहाँ पर चुपचाप ही रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आप व्यवसाय में जो है अच्छा धन कमाने में कामयाब होंगे जिससे आपकी कई सारी परेशानियां भी खत्म होगी। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहने वाला है। आज का दिन किसी नए वाहन की खरीदारी का सपना पूरा हो सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। यदि परिवार का कोई सदस्य आपसे दूर है तो आज उन्हें परिवार के सदस्यों की याद सता सकती है और उनसे मिलने आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो मिलने आ सकती हैं। छोटे बच्चों के लिए आप कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर घर आ सकते हैं जिससे घर का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की योजना भी बना सकती हैं जिससे आपकी बहुत सारी परेशानियां बहुत सारे टेंशन खत्म होंगी। जी हाँ, आपको किसी नए काम की पहल करना नुकसानदायक रह सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक करें और 1:29 बजे के बाद ही शुरुआत करें तो आपको इसमें सफलता पूरी तरह से मिलेगी। जी हाँ, तो दोस्तों बताई गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो और माता रानी आपके सभी सपने जल्द ही साकार करें। माता रानी से दोनों हाथ जोड़कर यही मेरी प्रार्थना।